दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुदेव फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुदेव सन 1993 में आई एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर, अनिल कपूर, श्रीदेवी, कादर खान, किरण कुमार, डैनी डेंजोंगपा, प्राण, सत्येंद्र कपूर, सीमा दियो, महावीर शाह, तेज सपरू, चंद्रशेखर, हरीश पटेल, मैकमोहन, आसरानी और विजू खोटे नजर आए थे। इस फिल्म को विनोद मेहरा और राज सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। इसे प्रोड्यूस किया था विनोद मेहरा ने, और इस फिल्म की कहानी प्रयागराज और के सिंह ने लिखी थी, और इस फिल्म के डायलॉग्स के सिंह ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 110 स्क्रीन्स के साथ 3 सितंबर सन 1993 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 3 करोड़ 40 लाख था। इस फिल्म ने इंडिया में 4 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 25 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 5 करोड़ 70 लाख का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 5 रेटिंग मिले, और ये फिल्म सन 1993 की 19वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक आरडी बर्मन ने दिए थे। इसके लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे। इसके गाने एवरेज रहे थे। इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने आशा भोसले ने गाए थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, विनोद मेहरा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म होने से पहले उनकी मौत हो गई थी। फिर इस फिल्म की बाकी शूटिंग को राज सिप्पी ने डायरेक्ट करके पूरा किया था। नंबर 2, इस फिल्म में श्रीदेवी ने छठवीं और आखिरी बार डबल रोल निभाया था। उन्होंने इस फिल्म में रोजी और प्रिया का रोल निभाया था। इस फिल्म से पहले उन्होंने गुरु, चालबाज, नाकाबंदी, लम्हे और खुदा गवाह फिल्म में भी डबल रोल निभाया था। नंबर 3, जब विनोद मेहरा की मौत हो गई थी, तब ऐसी खबर आ रही थी कि इस फिल्म की बाकी शूटिंग को राकेश रोशन डायरेक्ट करके पूरा करेंगे, जबकि इस फिल्म की बाकी शूटिंग को राज सिप्पी ने पूरा किया था। नंबर 4, विनोद मेहरा को शुरू से ही फिल्म बनाने का शौक था। आखिरकार सन 1988 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म गुरुदेव की अनाउंसमेंट की थी। वे इस फिल्म को खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अफसोस अपनी पहली फिल्म को देखना तो दूर की बात, वे इस फिल्म की शूटिंग पूरा नहीं कर पाए थे। नंबर 5, विनोद मेहरा ने इस फिल्म की 80% शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन फिर डेट्स की प्रॉब्लम आने लगी और फिल्म अटक गई थी। फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हो पाती उससे पहले ही विनोद मेहरा की मौत हो गई थी। उनकी मौत होने के 3 साल बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी। नंबर 6, जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी बोनी कपूर की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी। इस फिल्म में भी अनिल कपूर और श्रीदेवी नजर आए थे। कहा जाता है कि बोनी कपूर ने अपनी फिल्म के लिए अनिल कपूर और श्रीदेवी की सभी डेट्स बुक कर रखे थे। श्रीदेवी और बोनी कपूर तब एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो अनिल कपूर उन्हीं के भाई हैं, इसलिए दोनों ने भी अपनी पूरी डेट्स बोनी कपूर की फिल्म को दे दिए थे, जिसके कारण विनोद मेहरा की फिल्म गुरुदेव की शूटिंग अटक गई थी। फिल्म डिले होते जा रही थी, तो बजट भी बढ़ने लगा था, जिससे विनोद मेहरा काफी स्ट्रेस में रहने लगे थे, और उसी स्ट्रेस के कारण ही उनको हार्ट अटैक आया था और उनकी मौत हो गई थी। नंबर 7, विनोद मेहरा इस फिल्म में श्रीदेवी से पहले मंदाकिनी को लेना चाहते थे, लेकिन श्रीदेवी तब सुपरस्टार थी, इसलिए उन्होंने अपना मन बदल कर श्रीदेवी को ही लेने का फैसला किया था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी, और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।